जी, sp3 cx आबंध युक्त यौगिक का वर्गीकरण तीन प्रकार से है। नंबर वन एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की बात करें तो जो हेलोजन है, जैसे बात करें हम आपसे CH3, CH2 और यहाँ जुड़ा है Cl। इस Cl को हम बोलते हैं, कल एक बच्चा पूछ रहा था सर X का मतलब क्या होता है, तो X का मतलब होता है हेलाइड, यानी हमारे चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो चार प्रकार हैं आपके F, Cl, Br, I। इनको सम्मिलित रूप से क्या लिखा जाता है, X। यानी X के स्थान पे F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तीन प्रकार हैं। यदि संकरण sp3 है तो उस कौन सी कैटेगरी में आएगा, एल्किल हैलाइड में, एलिलिक यानी कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण क्या है, sp3। और ये sp3 वाला जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण क्या होता है, sp2। या हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि सर जो ये एलिल समूह होता है CH, CH2X, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, वो तो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी, एलिलिक। ध्यान देना सर क्वेश्चन क्या आता है, वो पूछता है कि एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन का संकरण क्या होगा। उस कार्बन का संकरण होगा sp3। लेकिन यदि उसने लैंग्वेज चेंज कर दी और उसने बोला कि साइड में आ रही है क्या आवाज, आ रही है क्या, क्लियर आ रही है क्या? अरे जिसको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार अपना इंटरनेट चेक करें भाई।
इतनी आवाज आ रही है क्या? सर आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन धुंधली दिख रही है। अब सही आ रही है क्या आवाज?